कृषि कानून के विरोध में किसानों के आंदोलन के समर्थन में अब गौशालाएं भी आने लगी हैं। इसकी शुरुआत जिला सिरसा के गांव खारिया की गौशाला से हुई है। किसान जोगेंद्र पुनिया ने बताया कि खारिया गांव की गौशाला में एक बैठक हुई है, जिसमें निर्णय लिया गया है कि हरियाणा राज्य गौशाला संघ किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर सहयोग करेगा। इसी के साथ किसान मजदूर संगठन का भी गठन किया जाएगा, जो किसान आंदोलन में सहयोग की रूपरेखा तैयार करेगा। हरियाणा में जितनी भी गौशालाएं हैं, सभी गौशालाओं का इस किसान आंदोलन में पूरा समर्थन है। जो भी गौशालाओं से बन पाएगा, वो भी हम दिल्ली या जो भी बॉर्डर पर हमारे किसानों को जरूरत है वहाँ हम भेजते रहेंगे। हमने सभी गौशालाओं को ये संदेश दे दिया है कि जितना भी हो सके किसान आंदोलन के लिए, चाहे आटा है, कणक है, गेहूँ है, पैसा है, और वो सभी इकट्ठे करके हम जिला स्तर पर इकट्ठा करके और वहाँ पहुँचाने का कष्ट करेंगे। हमने ये फैसला किया है, भी है जो जिला इकाई है, वो पूरी इकाई कई गौशालाएं यहाँ पे आई हुई हैं, सभी ने ये फैसला किया है भी हम किसान आंदोलन का पूरा समर्थन करते हैं। इसी कड़ी के अंदर हमने आज खारिया गांव से एक शुरुआत की है, किसान मजदूर समाज सेवा समिति गठित की है। ये हर गाँव में जहाँ पर भी गौशाला है, सारी जगह जाके जिला प्रधान होने के नाते सारी जगह हम जाके हर गांव में ये कमेटी बनवाएंगे, क्योंकि ये किसान आंदोलन लंबा चलने वाला है। इसका जितना हम सहयोग करेंगे, उतना ही किसानों को, मजदूरों को, हर वर्ग को फायदा होगा। इसलिए हर गांव में जाके ये क्लब की शुरुआत गांव खारिया गौशाला से की है। खारिया गांव में ये कमेटी गठित कर दी गई है, जिसको अरविंद कासनिया को प्रधान बनाया गया है। उसके बाद में वो अपनी कमेटी का काम गठित करेंगे और आज से ये कमेटी कार्य करना शुरू कर देगी। बाकी भी और गाँवों में जाके हम ये किसान मजदूर समाज सेवा समिति बनाएंगे, वो सभी किसानों का समर्थन करेगी। जब तक आंदोलन चलेगा, हम उनके साथ रहेंगे।